उसे क्या लेना देना, कृतघन होते हैं। असली में प्रेम थोड़ी होता है, वासना भी होती है, प्रेम नहीं होता, स्वार्थ होता है। असली में अगर प्रेम हो तो फिर तो असली प्रेम जो होता है ना वो कभी भी टूटता नहीं है। असली प्रेम तो सुदामा और कृष्ण का था। असली प्रेम जो होता है ना सुदामा ने कृष्ण से किया था। स्कूल में पढ़ते थे गुरुकुल में साथ में, और गुरुकुल में पढ़ते पढ़ते एक दिन गुरु के लिए संविदा लाने के लिए वन में गए हुए थे, संविदा चुन रहे थे। जंगल में लकड़ी चुनते चुनते आंधी आई और सुदामा ने कहते हैं कि कृष्ण के चने भी खा लिए। कृष्ण ने कहा तेरी भूख तो जाएगी नहीं, गुरुकुल से चले गए, लेकिन सुदामा की भूख गई नहीं। सुदामा की कंगाली घर में ही रही, क्योंकि कृष्ण ने कह दिया था बात बात में। इतना सुदामा के घर में कंगाली आ गई, लेकिन कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला। ये नाम नहीं छूटा, प्रेम इसको कहते हैं। कृष्ण चले गए, दोनों का बिछोड़ा हो गया। वो चलते 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 द्वारका के राजा बन गए, और ये अब यही कंगाली भोग रहा है, लेकिन फिर भी गावो गोविंद गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला। गावो गोविंद गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। गावो मोबाइल पेमेंट से इंडिया बदला, और आज हर लेकिन नाम गाते गाते शरीर पर पहनने को कपड़े नहीं मिल रहे, इतनी कंगाली आ गई। नाम गाते गाते बुढ़ापा आने लगा है, जवानी चली गई है, पत्नी पीछे आ गई है, बेटे हो गए हैं, जवानी जा रही है। किसी ने कहा रे तुम्हें तो कृष्ण ने कहा था कंगाली रहेगी, लेकिन फिर भी नाम नहीं छोड़ा। कृष्ण मेरा मित्र है, मेरा सखा है, कोई बात नहीं, मित्र ने कह दिया तो कह दिया, मेरा सखा है, छोड़ूंगा नहीं। किसी ने आकर के कहा कि अरे इस कृष्ण के कारण तो तेरे कंगाली आई है। सुधा मैंने कहा गावो गोविंद गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला। गावो सुदामा उसका नाम गा रहा है, उसके कारण तो कंगाली आई, उसने कहा था तू कंगाल, कोई बात नहीं। सुदामा ने कहा छोड़। एक दिन भिक्षाटन करके और भिक्षा लेकर के घर में आया, पूरी भिक्षा मिली भी नहीं थी, ब्राह्मण देवता भिक्षा रख करके थोड़ी और आंखें बंद करके गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गाने लगा। पत्नी अंदर से आई के भूख मर रहे, बच्चों को जीवने के लिए कुछ है नहीं, कुछ तो लाओ। अरे घर में कुछ नहीं है, खाली बैठे।
दो टाइम का गुजारा भी नहीं हो रहा है, कुछ तो करो। सुदामे ने क्या कहा? गोविंद गोविंद गोपाला भजो मुरली मनो हर नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भजो मुरली मनो हर नंद लाला, भजो गोविंद गोविंद गोपाला भजो गोविंद गोविंद गोपाला, गाओ मुरली मनो हर नंद लाला, गाओ मुरली मनो हर नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोपाल से मुरली मनोहर से पेट नहीं भरेगा। जा सुशीला ने कहा एक काम करोगे पति देव, अगर भिक्षा ज्यादा नहीं मांग सकते तो तुम एक बार कृष्ण के पास में चले जाओ, जो तुम्हारा मित्र है ना उस मित्र कृष्ण के पास में चले जाओ, वो तुम्हारा कारज सार देगा। सुदामा ने कहा नहीं सुशीला, रावल देवल गुरु के पाए खाली हाथ कदे नहीं जाए। जब राजा के यहां पर जाओ, देवता के यहां पर जाओ और गुरु के चरणों में जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, क्योंकि खाली हाथ जाओगे तो फिर खाली हाथ ही लौटोगे। इसलिए कुछ कुछ पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी लेकर के जाओ लेकिन खाली हाथ मत जाओ। कहा सुशीला कृष्ण मेरा मित्र है, वो भगवान भी है और राजा भी है, इसलिए राजा के यहां तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुशीला ने कहा तो मैं एक काम करती हूं। क्या? पड़ोसी के पास में गई और कुछ चिवड़े मांग करके लाई, धोने हुए चावल, और वो ला करके कहा ले जाऊं किसमें, तो सुदामा की एक फटी सी धोती थी उस धोती में बांध दिया और बांध करके कहा अब ले जाओ कृष्ण से मिल करके आओ, ये भेंट दे देना। सुदामा चला है लेकिन जब घर से निकला तो वो ही कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला नाम था। घर से बाहर निकला, बूढ़ा ब्राह्मण था, थक गया तो गांव के बाहर एक पेड़ था उसके नीचे सो गया। कृष्ण तो अंतर्यामी है, कृष्ण तो सबको देखता है, वो तो त्रिकालज्ञ है। उसने देखा कि ब्राह्मण देवता 10 पाउंड थक गया है, ऐसे तो द्वारका पहुंचते पहुंचते इसकी जिंदगी गुजर जाएगी, कब आएगा। तुरंत कृष्ण ने अपनी माया रची और उसको नींद में सोए सोए ही वहां द्वारका में ले जा करके छोड़ दिया। जब आंखें खुली तो द्वारका सामने है, लेकिन सुदामे की आंखें खुलने के बाद में भी कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला। ऐसे गाते गाते सुदामा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला गाते गाते जब द्वारका के महल पर पहुंचे तो द्वारपाल खड़े थे। उन्होंने कहा, उनसे पूछा कि कृष्ण का घर कौन सा है। द्वारपालों ने उनके सामने देखा और सोचा कि इसका तो लगता है साठी बुद्धि काम हो गया है, नहीं तो कृष्ण इतने बड़े राजा और उनके बारे में ये गरीब छोटा सा दिख रहा है, ये पूछ रहा है कि कृष्ण का घर कौन सा। बोले यही है। तो बोले
जाने दो अंदर। अरे भैया रुक रुक, अंदर कहाँ जा रहा है? बोले कृष्ण से मिलना है, कृष्ण मेरा मित्र है। द्वारपाल भी हंसने लगे कि इसका कृष्ण मित्र होगा। हट हट दूर हट। सुदामा बैठ गया, रोने लगा। मित्रता में भी कितने लोग बाध्य हो गए, कितने आड़े आ गए। लेकिन बहुत देर तक बैठा रहा, बैठा रहा तो द्वारपालों को भी दया आ गई। पसीना तर बतर हो गया है, तावड़ी में धूप में बैठा है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, पूरे पैरों में ब्याऊ फटी हुई है, पैर फटे हुए हैं, नैन जो है वो अभी श्वास जैसे अभी निकलेगा वैसे अंदर चले गए हैं, पूरा शरीर कृश हो गया है। सुदामा ऐसे बैठा था, एक द्वारपाल को दया आई और दौड़ करके अंदर जाकर के कहा। उस सुदामा ने कहा ज्यादा कुछ भी मत करो, लेकिन जाकर के अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया, बस इतना कह दो। मैं नहीं कह रहा हूं कि मुलाकात करवाओ, तुम इतना कह दो कि दर पे गरीब आ गया। सुदामा की नैनों से आंसू झर रहे, क्यों गरीब है और नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। याद रखना, जिन्होंने गरीबी में जीवन बिताया है या अभी जिनके गरीबी है उनके परिवार को देखना, उनके जीवन को देखना, नैनों से आंसू झरते हैं। गरीबी के दिनों को याद करें ना, सबसे कठिन काम हुआ है। गरीब आदमी जो होता है वो पल पल रोता है, नैन से आंसू झरते। सुदामा रोने लगा, विधाता इतना क्या गरीब किया मुझे। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, एक बार सुदामा से कह तो दो, एक बार बस सुदामा से जाकर के कह दो कि दर पे बस, कृष्ण से कह दो कि बस आ गया है गरीब सुदामा। कृष्ण से कहो एक बार, सुदामा ने कहा एक बार कह दो। वो दौड़ करके गए, ना सिर पे है पगड़ी ना तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। कृष्ण के पास में गए और कृष्ण के पास में जाकर के कृष्ण बैठे थे, रानी के पास में बैठी थी। कृष्ण तो महलों में बैठे थे, आनंद में बैठे थे, वो तो राजा थे। और जो ही जाकर के एक पैर नीचे था, कृष्ण पीताम्बर पहने हुए थे, और जो ही जाकर के कहा कि दर पे तुमसे मिलने के लिए एक मित्र आया है, कृष्ण ने कान खोले, कौन मित्र आया है, नाम क्या है? बोले नाम है सुदामा। नैन झरने लगे, दौड़े अपना आसन छोड़ करके, मेरा सुदामा आया, सुदामा आया। द्वारपालों का प्रोटोकॉल तोड़ करके और कृष्ण दौड़े, दौड़ करके और सुदामा को गले से लगा लिया। जिस आसन पर कृष्ण बैठे थे उस आसन पर ला करके बिठाया और देख करके, देख सुदामे की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि, रोए हाय सखा इतने दिन कहां खोए। देख सुदामे की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि, रोए। कृष्ण रोने लगे, तू तो मेरा मित्र था ना, कभी भी आ सकता था, तेरे लिए तो दरवाजे खुले थे, अरे सुदामा इतने दिन कहां रहा था। वो सुदामे का जब छोटा सा शरीर देखा, वो सुदामे के फटे हुए कपड़े देखे, वो सुदामे की फटी हुई एड़िया देखी, कृष्ण के नैन झरने लगे। कृष्ण रोने लगे, सुदामा तू जल्दी क्यों नहीं आ गया, तेरा मित्र बैठा था, जल्दी आ जाता। सुदामा भी रोने लगा के, ओ मैंने इतने दिन सुशीला कब से कह रही थी, लेकिन मैंने इतने दिन जो है वो बस ऐसे ही गफलत में खो दिए, कब का ही अगर कृष्ण के चरणों में आ जाता, मेरे मित्र से मिलने आ जाता तो काम बन जाता। लेकिन अब क्या हो सकता है, अब तो आ तो गया हूं, नैन झरे। ओ हो, कृष्ण के आंखों से इतने आंसू बहे कि उस आंसुओं ने सुदामे का पूरा गात धो दिया, शरीर धो दिया, और सुदामे के आंखों से इतने आंसू बहे कि कृष्ण के चरण धो दिए। प्रात को पानी हाथ लियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, हाय सखा इतने दिन कहां खोए। सुदामा ठीक है ना, सब तेरा परिवार ठीक है सुदामा? कृष्ण थोड़ा विनोद में कहने लगे, तूने विवाह कर लिया? हाँ विवाह कर लिया, बच्चे पत्नी कैसे हैं? सुदामे के फिर नैन भर गए, उनको तो कृष्ण खाने के लिए कुछ है ही नहीं,
ब्याह तो कर लिया, बच्चे भी हैं, पत्नी भी है, लेकिन कन्हैया मेरे मित्र, मैं क्या कहूं उनको, खाने के लिए कुछ नहीं है, बड़ी समस्या है, इतना गरीब है। कृष्ण ने कहा तो मेरे लिए कुछ लेकर के तो आए होगे, इतने दिनों से आए हो तो कुछ भेंट तो लेकर के आए होंगे। सुदामा ने वो छोटे से कहते हैं चावल, उनको जो है वो छिपा करके रख लिए कि यहाँ इतने महलों का ठाट है, इतने प्रकार के 56 प्रकार के व्यंजन है, मेरे चावलों का यहाँ कौन भोग लगाएगा, कौन देखेगा। लेकिन भगवान ने कहा सुदामा कुछ तो लाया ही है। सुदामा ने जब छुपाया तो कृष्ण ने पोटली छीन ली और छीन करके एक मुट्ठी चावल खाए और नैनों से फिर प्रेम के आंसू भी बहने लगे। अरे सुदामा, यहाँ महलों में कितना भोजन मिल रहा है, लेकिन तुम्हारे उस चिवड़ों का आनंद कुछ अलग है। बहुत आनंद है इसमें, तुम बहुत भाव से, क्योंकि यहाँ मुझे भोजन तो करवाते हैं लेकिन भाव नहीं है। सुदामा, तेरे इन चिवड़ों का भाव कुछ अलग है, और मैं तो भाव का भूखा हूँ, भाव ही इकसार है, भाव सो जो मुझको भजता उसका बेड़ा। भाव होना चाहिए बस, मैं भाव का भूखा हूँ, कृष्ण इतने दिन मुझे कोई भाव वाला नहीं मिला, आज मेरी भाभी ने इतने भाव से अगर ये भेजे हैं तो आनंद से खाया, एक मुट्ठी खाया, दो मुट्ठी खाया, तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज और क्या दोगे, सब कुछ तो सुदामे को दे दिया है। सुदामा को लेकर के महलों में घुमाने लगे, कृष्ण ने कई दिन तक महलों में घुमाया और घुमाने के बाद में आखिर में जो है वो सुदाम देव को कहा कि अब सुदामा पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, बेटे तुम्हारा इंतजार कर रहे होगे, जाओ वापिस जाओ। सुदामा निकला वहां से वापिस, और वापिस निकल करके और जब वापिस सुदामा पुरी में पहुंचा तो वहां पर तब तक भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि जैसी मेरी द्वारका पुरी है वैसी की वैसी सुदामा पुरी बसा दो, वहां की झोंपड़ी हटाओ, महल बसाओ। विश्वकर्मा को आदेश मिलते विश्वकर्मा में सुंदर महल बना दिए, रत्न जड़ित हीरे। सुदामा वहां आया तो सुदामा उस कृष्ण की लीला को समझ नहीं सका और सुदामा वहां जाकर के रोने लगा कि अरे क्या मित्र से मिलने के लिए गया, अरे इतना गरीब था पहले, पत्नी बच्चे तो थे पास में, वो भी चले गए लगते हैं, यहाँ होती मेरी राम झोंपड़िया को नरपति आन बसे। सुदामा भाई देवड़ देख डरे, मेल देख डरे। सुदामा कहते महाराज मेरी राम झोंपड़िया होती और कोई राजा आन उतरियो दिखे और मैं तो बस बड़ो धोखो हो गयो मारे हाथे। तो सुदामा फिर रोवण लाग गयो, पहले कर पोल विश्वकर्मा ठाडे, हीरा रतन जड़े दूजे पोल, हीरा रतन जड़े रे सुदामा भाई देवड़ देख। सुदामा डरे और सुदामा नैणा रोवे, इतारे मई महाराज सुदा मेरी पत्नी सुशीला सोनेरो थाल सजान उतरी और आरती करता हुआ बोली के आओ नी कंथ गरा, आओ कंथ गराओ। सुदामे की आंखें खुली, अरे इतने श्रृंगारित, इतना श्रृंगार किए हुए सोने की थाली ली हुई, आओ कंथ गरा, कौन कह रही है। जब सुदामा रो रहा था नहीं, रोते हुए सुदामे ने ये देखी तो एक बार प्रेम के आंसू आ गए कि अरे कृष्ण तेरी लीला तो अपरंपार है, तूने तो धन्य कर दिया, तूने तो पवित्र कर दिया, मंगल कर दिया, मेरी सब कंगाली बटा दी। और सच में सजनों, जो सच्चे मन से भगवान का नाम लेता ना उसके घर में कंगाली कभी रहती नहीं, कृष्ण उसके घर को आनंद से सुख से शांति से भर देते हैं। सुदामा सामने बढ़ा, आरती करी और जो ही महलों में आया तो फिर नैनों से आंसू बहने लगे कि मैं इतने दिन सोच रहा था कृष्ण ने मुझे गरीबी दे दी और कृष्ण के पास मैं कैसे जाऊं, कृष्ण स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन मैं तो इतने दिन दुख ऐसे ही पाया, अरे कृष्ण तो इतना दयालु है कि उसकी शरण में जाए तो वो निहाल कर देता है, मालो माल कर देता है, इतना दयालु है वो। फिर रोने लगे आनंद के साथ में, लेकिन फिर जो जो महलों में गए आनंद हो गया, जो भगवान का भजन करता है बस। सुदामा और कृष्ण की मित्रता का उदाहरण दिया जाता है, मित्र हो तो जीवन में ऐसे हो, नहीं तो महाराज किसी की जिंदगी क्यों बर्बाद करे। पग पग पर धोखा दे करके आज साथ में हो, कल थोड़े से स्वार्थ को लेकर के सेल्फिश बन करके और लोगों से दूर हो जाते हो, इससे बढ़िया है कि अकेले रहो लेकिन किसी को धोखा मत दो, क्योंकि आज तुम धोखा दोगे, आज किसी मित्र के साथ में कपट करोगे, आज किसी को नशा सिखाओगे, आज किसी की चुगली करोगे तो कल 100 गुना होकर के तुम्हारे जीवन में वापिस लौटेगी।
इसलिए हो सके तो भला करो, और भला किसी का कर नहीं सकते तो बुरा किसी का मत करना। अगर पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी मत बोलना। मरहम पट्टी करना सको तो गाँव किसी के मत करना। और घर किसी का बसा ना सको तो झोंपड़िया ना जला देना। दीपक बनकर जल ना सको तो अंधियारा भी मत करना। भला किसी का करना सको तो बुरा किसी का मत करना। अगर पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना। हो सके तो किसी का भला करना। जीवन में दीपक बन करके चलो ताकि लोग भी पीछे चलेगा। चलो मेरे पीछे चलो, मैं आपके चानना करता हूं। लेकिन किसी के चानना हो रहा हो तो उसको बुझाना मत। आज दुनिया में लोगों को क्या हो रहा है? आज दुनिया में अपने दुख से दुखी नहीं दुखी और के सुख से है इंसान। अपने दुख से दुखी नहीं दुखी और के सुख से है इंसान। आज का जमाना तो महाराज माफ करना, आई एम सॉरी टू से, आज का जमाना तो ऐसा आ गया है कि उसमें अपने दुख से दुखी कम है लेकिन पड़ोसी की ये सुख क्यों है इससे दुखी ज्यादा है। इकन ओके काम है यूं ज्यादा दुखी है। एक गांव था और उस गांव में गरीब आदमी था। उस गरीब आदमी के पास में इतना तो कुछ था नहीं लेकिन फिर भी वो दुखी रहता था कि पड़ोसी के पास में इतना ज्यादा क्यों है, पड़ोसी के पास में इतना तेज क्यों है, ऐसे वो दुखी रहता था। तो दुखी रहते रहते एक दिन उन्होंने मन में सोचा कि कुछ भगवान का भजन करूं और जल्दी प्रसन्न होने वाले देव की उपासना करूं ताकि कुछ फायदा मिले। तो वो जाकर के और तप करने के लिए बैठे और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये ओम नमः शिवाय जपते रहे। और ओम नमः शिवाय जपते जपते शिवजी सामने आकर के प्रकट हो गए। हर हर भोले नमः शिवाय। शिवजी ने कहा बोलो बरम बरोही। कुछ बोल नहीं पाए तो शिवजी एक शंख दियो और शंख देने के योग है मैं तू घर जा, तेरी तपस्या पूरी हुई और वो शंख ले जा। और इन शंख रे सामने बैठन जो भी कामना करी बात हारी पूरी हो जाएगी। मने इरे सामने बैठन तू कही के महाराज अमे मने बढ़िया कपड़ा चीज है तो थने मिल जाए, पानी चीज है मिल जाए, गाड़ी चीज मिल जाए, घर चीज जेड़ी अच्छा करी बड़ी मिल जाए। ठीक है नाचन लागियो महाराज, नाचन लागियो। तो शिव जी कहियो एक बात बड़े है के बोले तन तो मिल जी लेकिन पड़ोसी के डबल हो जी आप। अब महाराज संग नीचे रख दियो और मुंडो लटका लियो। शिव जी कहियो काई हो? बोले ई दुख तो तपस्या ही करी न पहली दुख थोड़ी। तो बोले शिव जी ने कहा भाई इस संघ की खासियत तो यही है। अब घर लायो संघ और संघ घर लान महाराज रख लियो और संघ घर रखना कंगाली भोगे कपड़ा पहनने नहीं लून मिर्च जिमने नहीं पण कंगाली भोगे। एक दिन पत्नी कहो स्त्री का कलेजा दया और ममता से भरा हुआ होता है। पत्नी कहो के भाई वो क्या ने कंगाली भोगो संकु मांगो नहीं के वो सब दे देवे क्या 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 भी महाराज आड़ तोड़ता फिरो। तो बण क्यों नहीं तन ठाको? तो बोले ठाको नहीं के बोले आमने घरे अगर जे आपा एक किलो सब्जी लावा तो दो किलो आपे ही जाई। तो बण क्यों आपा भी जी मार बेबीजी में तकलीफ गई है आनंद में रहो? बोले नहीं नहीं दुख तो ओई तो दुख है। अब एक दिन वो बारे गेड़ो और संघ घर के मई पड़ियो। एक दिन पत्नी घर की सफाई करी दियाली आदि रो कोई समय हो और वो सफाई करते करते संघ मिलियो बन गयो आज खजानो मिल गयो। धनी तो बार गेड़ा है ही और वो संघ ने लेन महाराज के रोज झाड़ू पोछा क्यों हो भाई तो मोटा बन आज जोड़ी संघ रे आगे और कहो हे संघ देवता एक ऊंचो सो महल बनाओ, दो चार नौकर दे दो, दो चार गाड़िया दे दो, दो बगीचा बना दो। और महाराज सब ठाट बाट हकड़ा मांग लिया। वो बार ऊपर आयो तो अट दिखी नहीं के मारा मकान झोंपड़िया अट न कहीं नहीं कोई बात नहीं कहो अठे कुण आयो इतरे। लेकिन फिर याद आयो के कहीं गड़बड़ भी हो सके। वो इन हामो आवे तो पत्नी देखियो ना पत्नी आरती सजा सोनेरी थाली और सामने आरती करना इन राजी होयो प्रसन्न होयो खुश होयो। हरिया महाराज आगे आगे धीरे धीरे चाले आरती करे
के ओ कहीं कमाल हो बन के शंकरो कमाल है तो बोले ठीक है राजी मुड़के लेकिन आंखिया एडी होया करे कि नहीं मैंने जाग जिया करे तो इन्हें जागी ना पड़ोसी दी इंगे तो एक ही करे भी दो करे यार बन के आले हो तो दुख हो गयो घर के माई गयो और माई जान महाराज कहो के तें तो हई रुड़ा दिया हुयो के अरे नहीं नहीं बोले वो संकित मन लार दे बोले अब के होवे मैं तो होनो जगो दो क्यों अरे नहीं नहीं वो संकित है के वो पड़ियो लार दे वो संक लायो और संक ने हां मिलान रखन कहो के महाराज हे संक देवता थारो तो नियम ही है के मारे वे भी हूं डबल पड़ोसी के होवे तो एक काम करो मारी एक आंख फोड़ दो तो बिंगी फूटे दोनों हे संक देवता एक काम करो मारो एक हाथ तोड़ दो मारो एक पग तोड़ दो यहाँ कर महाराज पूरा शरीर तहस नहस कर लियो और पूछ कहो मारे घर के आगे एक कुओं खोद दो तो पड़ोसी के दो खुद गया अब अगला ही दुख महाराज गिर लिया मारा ऊपरला ऊपरला दांत रेड़ो तो नीज नीज लाई गुड़े बो खो गयो भाई अब करे के महाराज तो हगड़ो इतरे पूरा महाराज भी को तहस नहस कर दियो अब क्यों क्योंकि बलियो वैसो बलबुद आवे बुरियो बुरी भले आदमी रे मंदर में भला विचार आई और बुरे आदमी रे मंदर में बुरा विचार आई इन वास्ते दूसरा का दुख है बामे दुखी होनो और दूसरा के सुख रे में सुखी होनो ओ मीन करोड़ देवता रो लखन है बाकी राक्षस रो लखन ओ है के दूसरा रे सुख रे में आपा दुखी होवा और दूसरा रे दुख होवे जद आपा सुखी होवा तो समझ लेनो मीनक बने रो लखन नहीं है और राक्षस रो लखन है क्योंकि राक्षस दूजे ने दुख देन राजी होया करे और देवता दूजे ने हुक देन राजी होया करे इन वास्ते दूसरों को सुख देओ और सुख देते हुए और राम भज लो।